के आंकड़े बड़े शहरों से सामने आ चुके हैं। मुजफ्फरनगर में जहां 15% तक मतदान हुआ तो वहीं आगरा में 9 बजे तक 12% वोटिंग हो चुकी है। नोएडा में सुबह 9 बजे तक जहां 7% यानी 7% वोट डाले जा चुके हैं तो वहीं दादरी और जेवर में 8.8 यानी लगभग 9% के पास आंकड़ा पहुंचा। गाजियाबाद 13% और फिरोजाबाद में 11% मतदान हो चुका है। तो इस वक्त अगर बात की जाए 73 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। पहले चरण में कुल 2,57,00,000 मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इन तमाम चीजों के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हो रही है। यहां पर 403 अगर हम बात करें कुल उत्तर प्रदेश की तो 403 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 73 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और 9 बजे तक के आंकड़ों से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर शुरुआती आंकड़े काफी हद तक तस्वीर साफ करते हैं कि लोगों में भारी उत्साह है मतदान को लेकर। लोकतंत्र का महापर्व है, वो भी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे में वोट की पावर यानी एक वोट की ताकत को हर एक मतदाता पहचानता है। यही वजह है कि सुबह से ईवीएम और बड़ी खबर को आपको रूबरू कराया, जहां पर बीजेपी विधायक के भाई को हिरासत में लिया गया है। जी हां, बीजेपी विधायक संगीत सोम के भाई को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। यूपी के पहले चरण का मतदान है और मतदान केंद्र के पास पिस्तौल ले जाने के आरोप में संगीत सोम के भाई को हिरासत में लिया गया। तो गगन सोम इस वक्त हिरासत में है, बीजेपी की विवादित नेता है संगीत सोम, और कुछ देर पहले वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उनके भाई गगन सोम मतदान केंद्र के पास पिस्तौल साथ में लिए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में लिया। तो मतदान लगातार शुरू हो चुका है। यूपी की 73 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है और इन तमाम चीजों के बीच बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के नेता संगीत सोम के भाई गगन सोम को इस वक्त अरेस्ट किया गया है कि उनके पास पिस्तौल मिला, वो भी मतदान केंद्र के पास। तो अगर बात की जाए 2012 के विधानसभा चुनाव की तो पश्चिमी यूपी में सपा और बसपा का दबदबा हमेशा से ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी और आरएलडी भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर मतदाताओं से अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर चुकी हैं। तो संगीत सोम बीजेपी के फायर ब्रांड, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले विधायक हैं और हाल ही में खबर सामने आई है कि संगीत सोम के भाई गगन सोम को मतदान केंद्र के पास पिस्तौल ले जाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोगों में काफी उत्साह है और इस उत्साह के बीच लोग तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आई यूपी से, जहां पर बीजेपी विधायक संगीत सोम के भाई गगन सोम को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल गगन सोम मतदान केंद्र के पास पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। तो मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ है और इन तमाम चीजों के बीच अब ताजा हाल जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है मतदान केंद्रों के पास। हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल, तो वहीं आगरा से हमारे मोहम्मद अफजर, दोनों लगातार